छोटे बच्चों को खेल खेल में पढ़ाकर अध्यापकों का काम करने वाली आंगनवाड़ी सेविकाओं ने अपनी मांगों को लेकर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस आईटक की अगुवाई में संविधान चौक पर रोष व्यक्त करते हुए मोर्चा निकाला, जहां इन आंगनवाड़ी सेविकाओं ने गुजरात सरकार की तरह ग्रेजुएटी देने का आदेश महाराष्ट्र सरकार भी जारी करे ऐसी मांग की। अपनी कई मांगों को लेकर नागपुर शहर के सभी छोटे बड़े तालुका की आंगनवाड़ी सेविकाओं ने बड़ी संख्या में शामिल होकर यह विशाल मोर्चा निकाला। मोर्चे में शामिल आंगनवाड़ी सेविकाओं ने कहा कि उन्हें मिलने वाले मानदेय को मजदूरी माना जाना चाहिए तथा उन्हें भी न्यूनतम मजदूरी के दायरे में लाते हुए सभी सुविधाएं देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों को ग्रेजुएटी देने की मांग को जिस तरह गुजरात सरकार ने लागू करने के आदेश दिए हैं, उसी तरह महाराष्ट्र सरकार को भी लगातार की जा रही ग्रेजुएटी देने की इस मांग को पूरा करना चाहिए। साथ ही आंगनवाड़ी सेविकाओं का कहना है कि वे सारे काम मोबाइल फोन से ही करती है, जिसके लिए अच्छे स्मार्टफोन्स भी उन्हें सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने चाहिए। आंगनवाड़ी सेविकाओं का कहना है कि हर महीने उनकी मजदूरी में भी कई बार कई कई महीनों की देरी होती है। इन जैसी कई मांगों को लेकर आज संविधान चौक पर भारी संख्या में जिले भर से पहुंची आंगनवाड़ी सेविकाओं ने सरकार से उन्हें पूरा करने की मांग की है। मेरा नाम ज्योति अंडर सहारे है और ये हमारा मोर्चा है आंगनवाड़ी कर्मचारियों का। सभी नागपुर जिला में जितने भी तालुका है उन सभी तालुके से यहाँ पे महिलाएं आंगनवाड़ी कर्मचारी उपस्थित हुए हैं। हमारा ये जो मोर्चा चालू है अभी, ये हमारी डिमांड है जो कुछ मानधन के विषय में है। ये सरकार ने हमको मानधन देना चाहिए किमान 24,000 जीवन यापन करने के लिए। हमारा जीवन अच्छा, हमारी आर्थिक परिस्थिति अच्छी होनी चाहिए, इसलिए हमारी ये पहली डिमांड है। सेकंड डिमांड हमारा है कि हमें एक अच्छा क्वालिटी का मोबाइल देना चाहिए। जो आज हम लोग सभी आंगनवाड़ी कर्मचारी मोबाइल पर काम करते हैं, तो हमने सब शासन को वापस कर दिए प्रकल्प में। हमारी मांग है कि हमको नया मोबाइल मिलना चाहिए। थर्ड मांग हमारी है कि पेंशन मिलना चाहिए। जो महिला है रिटायरमेंट हुई है, 65 के बाद रिटायर होती है ICDS से, आंगनवाड़ी और सेविका और मदद निस्त, इनको 1,00,000 रुपये और 75,000 रुपये अभी मिलता है, लेकिन कुछ लोगों को अभी तक की मिला भी नहीं है। 4 साल हो गए, कुछ महिलाओं को वेतन ये पेंशन मिली नहीं है। तो हमारी ये डिमांड है कि हमको महीने की पेंशन चाहिए, हमें 1,00,000 और 75,000 नहीं चाहिए। हमारी फोर्थ मांग है ग्रेजुएटी। जिस महिला आंगनवाड़ी क्षेत्र में काम करती है तो 65 के बाद रिटायर होती है। रिटायर होने के बाद हमें पता है कि ग्रेजुएटी तो आंगनवाड़ी कर्मचारी को नहीं मिलेंगी क्योंकि वो मानधनी है, लेकिन कर्मचारी को मिलता जिसको वेतन मिलता है। लेकिन गुजरात की आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने संघर्ष किया है और उन्होंने उनके सरकार ने, वहाँ भी गुजरात के सरकार ने उनको ग्रेजुएटी देने के लिए बाध्य कर दिया, यानी कि सरकार ने आदेश निकाला। तो हम बोलते कि महाराष्ट्र में क्यों नहीं, अगर गुजरात में मिलता है तो महाराष्ट्र में मिलना चाहिए, लेकिन मिलना तो सहज तो नहीं मिल सकता। इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। आज हमारा मोर्चा है कि हमको ग्रेजुएटी ESI मिलना चाहिए, आंगनवाड़ी कर्मचारी को लागू करना चाहिए। NBC न्यूज़ के लिए राजकुमार मोड़ के साथ अक्सान सारी की रिपोर्ट।